तकदीर बदलने वाला तू है। हो अशोक, अब बस भी करो, ये मेरा ही प्लान है, ये प्रमिला को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? अरे ये क्या है, तुम लोग साइलेंट क्यों बैठे हुए हो? विकी, अंताक्षरी खेलते हैं ना? अंताक्षरी तो लोग तुम्हारे दादा दादी के टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, कुछ और बताना। म्यूजिकल चेयर खेले क्या? वो आंटीज के साथ खेली जाती है। ओके ओके लिसन, ये सब छोड़ो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ओके, लेट्स प्ले अ कन्फेशन गेम। देखो गेम कुछ ऐसा है, आज तक जिंदगी में किसी को भी नहीं बताया हुआ वो एक सच आज बताना है। सुपर आइडिया विकी, मैं ही शुरू करता हूँ। हाँ कम ऑन। जब मैं 8 साल की उम्र का था तो मेरे मम्मी और डैडी सब्जी लेने के लिए मार्केट गए हुए थे। जब मेरे डैडी सब्जी लेने में बिजी थे, मुझे जोर की लगी थी, तो मैंने डैडी से पूछा, डैडी मैं यही पास में शुरू हो जाऊं क्या? नो, बिल्कुल नहीं। तो पापा मैं वहां किनारे पे कर लेता हूं। नो, नो कहते कहते वो मुझे घर तक ले आए। मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया। घर पहुंचते ही मैं बाथरूम की तरफ भागा, जिस बकेट से डैडी नहाते थे उसी बकेट में मैंने, उसके बाद मेरे डैड ने 2 बार मुंह धोया। गंदा कहीं का। ओके, मेरी कन्फेशन की बारी। हाँ बोलिए। सभी बच्चों की तरह मैं भी बचपन से मैगी खाते ही बड़ा हुआ हूँ। मैगी खाते खाते मेरे मन ही मन में मुझे मैगी से प्यार हो गया। मैगी से? वो कौन है? ये है ना। मैगी नूडल्स, मसाला मैगी। मुझे भी बचपन से पता नहीं क्यों पर आलू पसंद है। रोड पर कोई बेचता है तो 4-5 लेकर खा ही लेती हूँ। 4-5? तू सच में बेवकूफ है लेट लतीफ। हाँ? मैं भी 4-5 सालों से तू कब मुझे आई लव यू कहेगा यही सोच रही थी। एटलीस्ट आज तो तूने बताया। I love you too. अरे यार, oh God, thank you. अशोक, अभी तुम्हारी बारी। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उससे ही शादी करना चाहता था। कौन है वो लड़की? बात सिर्फ एक सच बताने की हुई थी, वो मैंने बता दी। स्मार्ट आंसर। थैंक्स विकी, योर टर्न। मैं प्रमिला के लिए एक बहुत अच्छा सुपर कूल लड़का ढूंढ चुका हूँ। वाह, सुपर विकी, कौन है वो? Come on, tell me who is it? अशोक ने जैसे कहा, एक ही सच। What do you say? अरे वाह वाह बेटा, बहुत चालाक निकला। Okay. अच्छा सुनो प्रमिला, it's your turn. Yes, प्रमिला, your turn. Hey, come on, come on, come on, come on. सबने बताया है। No, चुप मत रहो, बोलो, तुम्हें बोलना होगा प्रमिला। अरे अरे बारिश हो रही है, बारिश आ रही है, चलो चलो चलो, जल्दी आओ, चलो जल्दी। मैं अभी वही हूँ, विकी से ही हमेशा प्यार करती रहूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती विकी। हे प्रमिला, कम। या। ये क्या? न्यूयॉर्क में अचानक बारिश शुरू हो गई? हाँ, यहाँ का वेदर हमेशा ऐसा ही रहता है, कुछ कह नहीं सकते। तुम्हारे पापा का बिजनेस कैसा चल रहा है? इट्स गोइंग वेरी वेल। He does a lot of things. You know. Hi. Auntie. Hey, Pramila. इतने दिनों से क्यों नहीं आई? आने की क्या जरूरत है? आपके दिल में बसती हो ना? Sweet. Hey, Vicky ऊपर है. Go, go, go. Hi, Rahul. हेलो दादाजी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। विकी अपने कमरे में है। प्रमिला, आंखें बंद करने पर और खोलने पर तुम ही नजर आती हो। प्रमिला, प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला, प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को जानना नहीं, एक दूसरे की सोच भी एक जैसी होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। मैं प्यार के बारे में जितना भी कहूं कम है, एक्सेप्ट 3 वर्ड्स, आई लव यू प्रमिला, आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। जस्ट रिमेंबर, अच्छे दोस्त ही सच्चे लवर्स बनते हैं।
एंड आई विल नेवर हर्ट यू। बस इतना ही तो बोलना है अशोक। अरे नहीं, मुझसे नहीं बोल दो ना। आई एम रियली स्कैर्ड। डरो मत। अरे नहीं यार, डरने की क्या जरूरत है? मैं नहीं कर सकता, मैं हूं ना साथ में। अरे तुम बोल दो यार, जरूर वो तुम्हारे प्यार को मान जाएगी और वो तुम्हारे घर पे जरूर आएगी। ओके, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? घर तक आना तो छोड़, वो बेडरूम के पास खड़ा है। बेडरूम की बात शादी के बाद करना, नॉट नाउ। बट वो आ गई है विक्की। घर पे आने के लिए वो उसके ससुर का घर है क्या? विक्की हाँ, पीछे देख। हाँ? देख। ओ शिट, तुम अशोक को पहले से ही जानते थे? तुम्हारी सिस्टर पिंकी ने बताया था। इसका मतलब अशोक को इंडिया से बुलवाकर, एक्सीडेंटली अशोक से मिलवाकर, मेरे ही ऑफिस में नौकरी दिलवाकर, मेरे पास में बिठाकर, सामने घर दिलवाकर तुमने इतना ड्रामा क्रिएट किया, किस लिए? ओह गॉड विक्की। ऐसी बात नहीं है प्रमिला। तो फिर कैसा है विक्की, मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया। मेरी खुशी के लिए मुझे क्या चाहिए, ये तुम जानते भी हो? इसमें जानने वाली क्या बात है प्रमिला, अशोक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, और वो एक ही ऐसा लड़का है जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। सो तुम दोनों की अगर शादी हुई तो वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। अशोक से ही शादी करनी थी तो तुम्हारी क्या जरूरत थी, मैसूर में ही शादी हो जाती। जाने दो, अपने दिल पर हाथ रखकर, आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो मैं उसके साथ सारी जिंदगी खुश रहूंगी, इतना भरोसा है तुम्हें? हाँ भरोसा है प्रमिला, वरना मैं उसे क्यों भला इतनी दूर से बुलाता और तुम दोनों की शादी की बात चलाता। ये याद रखना, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी धर्म या कोई गुरु की जरूरत प्यार को नहीं होती, वो अपने आप हो जाता है। तुम्हारे पीछे मैं प्यार के लिए आई, शादी के लिए नहीं। मुझे सिर्फ शादी से मतलब होता तो घर पर कह देती, वो मेरे लिए अशोक से भी अच्छा लड़का ढूंढ देते। पर मैंने तुमसे कहा, जानते हो ऐसा क्यों किया? ताकि उसी बहाने मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। I just wanted to be with you, Vicky. मेरे प्यार को तुम समझ नहीं पाए, फिर भी मैंने सोचा तुम्हारे अंदर का प्यार कभी ना कभी जागेगा। But it was just a waste. प्रमिला, प्लीज। Vicky, प्लीज, let me just speak. मेरी खातिर तुमने बहुत कुछ किया है, अब आखिर में एक हेल्प और कर दो। बोलो। तो मेरी लाइफ से चले जाओ विक्की, आज के बाद से मुझसे मिलना नहीं, मुझे दिखाई भी मत देना। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू एवर अगेन। व्हाट्स रॉन्ग विद यू प्रमिला, तुम क्या पागल हो गई हो? Hey, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अरे वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। तुम्हारे तो सिर्फ तीन ही गुड फ्रेंड्स हैं, आगे भी वो रहेंगे, पर मैं कभी भी तुम्हारी फ्रेंड बनकर नहीं रह सकती विक्की। एनीवे, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, बाय। विक्की, खाना खाने के लिए आओ। नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं खाऊं या ना खाऊं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? Why everybody is behind my blood? Just leave me alone, okay? Ma, sorry, Ma. Your room is clean, but you are in a mess. Oh, Tagore, what a change. तुम्हारे ऐसे बदलने की वजह क्या है मैं नहीं जानता। खैर वो जो कुछ भी हो,
उस वजह को कभी छोड़ना मत। हेलो अंकल। ओह, कैसी हो बेटी हो तुम? मैं ठीक हूँ। उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं है, क्या बात है उसे खुद पूछ। ओके अंकल। ऐसे क्यों बैठे हो विकी, क्या हुआ है? नथिंग, कुछ भी नहीं। मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह से नहीं देखा है। इन 16 साल की फ्रेंडशिप में तुमने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं किया है, बट पप्पू पे, स्पेशली अपनी माँ पर गुस्सा किया, सही कहा ना? इतना ही नहीं, अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में यू आर द फर्स्ट वन टू कम फॉरवर्ड फॉर अ पार्टी, फंक्शन, एनीवन्स बर्थडे। किसी को भी कभी तुम भूले नहीं हो। मैं अभी भी नहीं भूला हूं नंदिनी। विकी, क्या तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। I'm extremely sorry. Many, many happy returns of the day. Many, many happy returns of the day, Pramila. आज तुम मेरा नाम भी भूल गए, तो हमारे फ्रेंडशिप से भी बढ़कर एक रिलेशनशिप तुम्हारे दिल में है। वो लव के अलावा दूसरा क्या होगा? तुम भी यही बोल रही हो, सारा खामोश रहोगी? पर क्यों, मैंने जो कहा उसमें गलत क्या है? तुमने ही एक बात बताई थी, थोड़े लोगों को देखोगे, थोड़े लोगों से बात करोगे, तो उनमें से कोई एक ही तुम्हारे दिल में जगह बना लेगा, और उस जगह पर आज प्रमिला है। स्टॉप इट नंदू, जो फीलिंग दिल में नहीं है उसे बार बार बोल के मत जगाओ। ये फीलिंग तुम्हें नहीं है? एक लड़की के लिए तुमने इतना केयर और कंसर्न दिखाया, हमारी 16 साल की फ्रेंडशिप में मैंने ऐसा नहीं देखा, और तुम उसी के लिए लड़का ढूंढने निकले, लेकिन क्या ढूंढ पाए? वो उसकी लाइफ खराब ना हो इसलिए। ये बात है, तो तुम ही शादी कर लो। वो तुम्हारी तरह बस मेरी एक फ्रेंड है। लेकिन वो तुमसे प्यार करती है। मेरे दिल में प्यार नहीं था। मतलब अभी है? अभी भी ऐसा ही है, मेरा ओपिनियन चेंज नहीं हुआ है। बार बार कहने के बावजूद दिल नहीं मानेगा। देखो, पहली बार मिलते हैं तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसके बाद इच्छा होती है, नेक्स्ट इंटरेस्ट बढ़ता है, और फाइनली वो लव में बदल जाता है। नंदू, पहली बार उसे देखकर तुम फिदा हो गए, उसका बायोडेटा जानने के लिए उसके आसपास जाने की कोशिश की। ऑफ कोर्स आई लाइक्ड हर एंड आई स्टिल लाइक हर। और उसके बारे में बुरी बात की तो तुमने इंस्पेक्टर को बिना कुछ सोचे उसे मारा। Respect towards her. शादी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे थे। Concern towards her. इतना सब होने के बाद वो लड़की तुम्हें मिलना मत, आना मत, देखना मत, ऐसा बोल कर गई। That's why I'm upset about her. Then forget-